बी अ पार्ट ऑफ पावरफुल डिजिटल न्यूज नेटवर्क नवी मुंबई नेटवर्क, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत आज 53 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1382 तक पहुंच चुका है और एक्टिव केसों की संख्या 401 तक पहुंच चुकी है। ऑल इज वेल आज राहत भरी खबर ये रही कि आज फिर 56 लोग कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज कर दिए गए और इसी के साथ कोरोना मुक्त व्यक्तियों की संख्या में हुआ इजाफा और आंकड़ा पहुंचा 923। बता दें कि आज डिस्चार्ज हुए लोगों में शामिल हैं पनवेल से 10, न्यू पनवेल से 10, कलम्बोली से 4, कामोटे से 18, खारगढ़ से 12 और तलोजा से 2। दुखद घटना, बता दें कि आज 2 लोगों की मृत्यु के साथ पनवेल मनपा के अंतर्गत कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा 58 तक पहुंच चुका है। आज तलोजा पेंथर गांव घर क्रमांक 359 के रहवासी एक 34 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। वहीं पनवेल कोलीवाड़ा जरीमरी मंदिर के पास घर क्रमांक 1230 के रहवासी 55 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। ये व्यक्ति पहले से ही किडनी और डायबिटीज की बीमारी से ग्रस्त थे। बता दें कि आज सबसे अधिक यानी कि 93 कोरोना पॉजिटिव मरीज अकेले कलम्बोली से पाए गए। कलम्बोली के बाद 86 कोरोना पॉजिटिव मरीज कामोठे से पाए गए, तो वहीं तीसरे क्रमांक पर रहा खारगढ़ जहां पर 75 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। आज खारगढ़ सेक्टर 19 स्थित सूर्यकोटी बिल्डिंग के रहवासी एक 5 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई। ये बच्ची परिवार के पाए गए कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से कोरोना संक्रमित हुई। वहीं पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करके खुलेआम उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर मनपा द्वारा कार्रवाई का शिकंजा कसा गया और कुल 10 दुकानदारों पर मनपा प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत आज कितने कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई, रिकवर्ड और कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा क्या रहा। बता दें कि कलम्बोली में आज 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा रहा 0, रिकवर्ड केसों की संख्या रही 4। कामोठे में आज 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा रहा 0 और रिकवर्ड केसों की संख्या में हुआ इजाफा और आंकड़ा पहुंचा आज 18। खारगढ़ में 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज आज पाए गए। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा रहा 0, रिकवर्ड केसों की संख्या रही 12। न्यू पनवेल में आज 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा रहा 0, रिकवर्ड केसों की संख्या रही 10। पनवेल में आज 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा रहा 1, रिकवर्ड केसों की संख्या रही 10। वहीं तलोजा में आज 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा रहा 1, रिकवर्ड केसों की संख्या रही 2। तो चलिए अब ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत अब तक कुल कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, रिकवर्ड और एक्टिव केसों की संख्या क्या रही। बता दें कि पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत अब तक कुल 1382 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा रहा 58, रिकवर्ड केसों की संख्या रही 923 और एक्टिव केसों की संख्या दर्ज की गई 401। बता दें कि कलम्बोली में अब तक कुल 260 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, एक्टिव केसों की संख्या है 93। कामोठे में 418 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, एक्टिव केसों की संख्या है 86। खारगढ़ में 298 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, एक्टिव केसों की संख्या है 75। न्यू पनवेल में 205 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, एक्टिव केसों की संख्या है 48। पनवेल में 147 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, एक्टिव केसों की संख्या है 60। और तलोजा में अब तक 54 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, एक्टिव केसों की संख्या है 39। तो चलिए अब ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले विभिन्न शहरों में कुल कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा क्या रहा, रिकवर्ड केसों की संख्या क्या रही। बता दें कि कलम्बोली में कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा दर्ज किया गया 16, रिकवर्ड केसों की संख्या रही 151। कामोठे में 17 लोगों की कोरोना संक्रमण से अब तक मौत हो चुकी है, रिकवर्ड केसों की संख्या रही 315। खारगढ़ में कोरोना संक्रमण से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, रिकवर्ड केसों की संख्या है 215। न्यू पनवेल में कोरोना संक्रमण से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, रिकवर्ड केसों की संख्या है 150। पनवेल में 4 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है, रिकवर्ड केसों की संख्या है 83।
तलोजा में 6 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। रिकवर्ड केसों की संख्या है 9। तो चलिए अब ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से एज ग्रुप में कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। बता दें कि 1 से 10 साल की एज ग्रुप में 2 लड़कियां और 1 लड़का कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 21 से 20 साल की एज ग्रुप में 2 लड़की 2 लड़के कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 21 से 30 साल की एज ग्रुप में 4 महिलाएं 10 पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 31 से 40 की एज ग्रुप में 3 महिलाएं 12 पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 41 से 50 की एज ग्रुप में 3 महिलाएं 9 पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 50 से अधिक की एज ग्रुप में 1 महिला 4 पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आज पाए गए कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से कोरोना संसर्ग की क्या रही वजह। बता दें कि अस्पताल में इलाज के लिए घर से बाहर जाने के दौरान कुल 1 व्यक्ति आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज या उसके परिवार के सदस्य के संपर्क में आने से कुल 18 लोग आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दैनंदिन काम के लिए घर से बाहर जाने के दौरान कुल 20 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। वहीं आज पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 14 मरीज वो थे जो पालिका की हद के बाहर काम करने की जगह और प्रवास के दौरान कोरोना से संक्रमित हुए। मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख ने आज मीडिया बुलेटिन जारी कर लोगों से अपील करते हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संबोधित किया। पनवेल शहर हे बऱ्याचशा अंशी नोकरदारांचं व्यावसायिकांचं असं शहर आहे आणि ह्या शहरातले लोक बाहेर जाऊन व्यवसाय किंवा नोकरीसाठी शहराबाहेर जातात। शहरामध्ये गेल्या 8-10 दिवसांमध्ये रुग्णांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे। त्याचबरोबर शहरामध्ये जी दुकानं आहे व्यवसाय जे आहे त्या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगच्या बऱ्याच तक्रारी प्राप्त होत आहेत। म्हणून काल आणि आज मोठ्या प्रमाणामध्ये दुकाने सील करण्याची आणि बंद करण्याची कार्यवाही केलेली आहे। साथरोग नियंत्रण अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारची बंदी घालण्याची कारवाई करता येते, दंडात्मक कारवाई करता येते। त्याशिवाय कलम 188 प्रमाणे गुन्हेही दाखल करता येतात। शहरामध्ये साथीच्या रुग्णांचे प्रमाण जर वाढत राहिले तर आणखी कठोर पावले प्रशासन उचलणार आहे। शहरामध्ये जे रुग्णांची संख्या वाढते त्याच्यावर जास्तीत जास्त सुविधा पुरवण्यासाठी शासन आणि महापालिका प्रशासन पूर्णपणे प्रयत्नशील आहे। हे करत असताना आपल्याला खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक जे आहे त्यांनाही याच्यासोबत घ्यावं लागतं। म्हणून काही खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक किंवा हॉस्पिटलचे मालक यांनी जर कोरोनासाठी कोविड रुग्णालय स्थापन केली तर त्यालासुद्धा आपण प्रोत्साहन देत आहोत। लवकरच शहरातले आणखी काही खाजगी रुग्णालय कोविडसाठी जाहीर केले जातील आणि त्याप्रमाणे कोविडच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील। मात्र शहरामध्ये गर्दी नियंत्रित करणे, गर्दी नियंत्रित न करणाऱ्या दुकानदारांवर आणि जे नियमांचं पालन करत नाही अशा प्रकारच्या व्यावसायिकांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी प्रशासन सतर्क करण्यात आलेले आहे। तो चलिए अब डालते हैं आंकड़ों पर नजर। कुल कोविड 19 टेस्ट जनसंख्या 4544, कोरोना की कुल मरीज 1382, कोरोना के एक्टिव केस 401, कोरोना रिपोर्ट प्रलंबित 120, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 923 और कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा 58। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।